3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। उससे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों में पहुंचकर जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। विस्तार से पूरी रिपोर्ट में बताएंगे पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। 3 दिसंबर का वो दिन जिसका इंतजार सभी को है, चाहे वो आप दर्शक हो, हम हो या फिर मध्य प्रदेश के बीजेपी कांग्रेस के नेता, सभी इंतजार कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के नतीजे आने का। इसी बीच आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग तमाम तैयारियों में लगा हुआ है काउंटिंग डे की, जिस दिन मतगणना होगी उसकी। इसी कड़ी में दर्शकों को बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं वो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचकर उन्होंने स्ट्रांग रूम का जायजा लिया, काउंटिंग सेंटर्स का जायजा लिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम पहुंचे। यहां पर उन्होंने निरीक्षण किया, साथ ही मतगणना की तैयारियों को भी देखा। बता दें कि ग्वालियर के अलावा जो अधिकारी हैं वो जबलपुर, भोपाल, इंदौर और तमाम दूसरी जगहों के भी स्ट्रांग रूम पहुंचकर उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया है। फिलहाल तस्वीरें जो है वो लगातार अलग अलग स्ट्रांग रूम से आ रही है, जहां पर 3 दिसंबर की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ जहां राजनीतिक दल भी काउंटिंग के दिन को लेकर सजग दिख रहे हैं और लगातार स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी करते हुए दिख रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग की तैयारी कर रहा है और हर एक सेंटर जहां पर काउंटिंग होगी हर जिले के स्ट्रांग रूम में पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेते हुए भी दिख रहा है। वहीं दर्शकों को बता दें कि 3 दिसंबर को सबसे तेज सटीक नतीजे आपको देखने मिलेंगे सिर्फ एमपी तक पर, तो बने रहिए हमारे साथ।